नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान बीते कई दिनों से अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए। पिछले साल नवंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी, वहीं इस फिल्म के सेट से मारपीट का मामला सामने आया। बॉलीवुड के गलियारों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि पठान के सेट पर जमकर मारपीट हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़ाई के दौरान डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने थप्पड़ भी जड़ दिया। फिल्म के सेट पर मौजूद सूत्र ने एक लीडिंग वेबसाइट को जानकारी दी है कि सिद्धार्थ आनंद की बात नहीं मानने की वजह से शुरू हुआ विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया और सेट पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ये हर किसी को पता है कि सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्मों को लेकर किस कदर दीवाने रहते हैं। वो सेट पर किसी तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करते। पठान के सेट पर तो उन्होंने लोगों को मोबाइल न लाने की हिदायत दी। इन्हीं चीजों को लेकर सिद्धार्थ आनंद का पारा चढ़ गया और उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को जमकर फटकार दिया। इसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर बाहर जाकर सिद्धार्थ आनंद को गाली देने लगा और सेट पर मौजूद बाकी लोगों के खिलाफ भी बोलने लगा। जब सिद्धार्थ आनंद को इस बात की जानकारी मिली तो वो गुस्से में अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलने गए और वहीं पर बात बढ़ गई। सुनने में आ रहा है कि सिद्धार्थ आनंद ने गुस्से में इस असिस्टेंट डायरेक्टर को तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सिद्धार्थ को थप्पड़ जड़ दिया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शूटिंग को एक दिन के लिए रोक दिया गया। बता दें कि यशराज बैनर में बन रही पठान को शाहरुख खान की कमबैक फिल्म माना जा रहा है। पठान फिल्म से दर्शकों को काफी सारी उम्मीदें और दर्शक अभी से फिल्म पठान का इंतजार करने लगे। इस फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि जॉन फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि इस स्पाई ड्रामा में ऋतिक और सलमान का भी कैमियो होगा। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि पठान के सेट पर हुई मारपीट का फिल्म की शूटिंग पर क्या असर पड़ेगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।